पूरे 2 महीने के बाद रियलमी ने कोई अपडेट दिया है अपने रियलमी 9 प्रो प्लस के अंदर, मतलब पिछले मई में जून में अपडेट नहीं है, अभी जुलाई में कुछ दिन पहले आया है। और देखो वीडियो में कुछ भी बोलूँ, इससे पहले बोल दूँ रियलमी भाई अपडेट में अगर कुछ भारी माल देना है तो वो देना, लेकिन सिक्योरिटी पैच तो कम से कम मंथली दे दिया करो यार, वैसे भी 1.5 महीने में तुम पहले से देते हो, थोड़ा ट्राई करो। तो रियलमी को धमकी देने के बाद बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये आप लोगों ने डिमांड करके बनवाई है, क्योंकि जनरली मैं अपडेट्स पे वीडियो नहीं बनाता लेकिन बना दी। क्या बात है। और एज एक्सपेक्टेड इस वीडियो में हम लोग सभी फीचर्स जो मिले हैं इस अपडेट के बाद उसके बारे में बात करेंगे, और तो और मतलब जो पहले बग्स आते थे जिसे रिकॉर्ड करने गए और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, ये रियलमी 9 प्रो प्लस में स्पेसिफिक बग था, बाकी सब में शायद ना हो बट फिर भी ये ठीक हुआ नहीं, ये सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले मेरे बारे में जान लो, मेरा नाम है उत्पल, शुरू करते हैं। अब इससे पहले हम लोग फीचर्स वगैरह की बात करें, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका बैटरी बैकअप कैसा चल रहा है, मतलब अपडेट के बाद बैटरी बैकअप चेंज होता है वो चेक करते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हो मैंने 9 घंटे और 46 मिनट का स्क्रीन टाइम यूज किया, मतलब फोन उतने देर ऑन रहा है। और मैं बता दूं यहाँ पर मैंने 60 हर्ट्ज पर नहीं चलाया, 90 हर्ट्ज पर चलाया, और स्क्रीन मोड भी मतलब जो हम लोग को विविड वाला देखने को मिलता है वही था, मतलब कुछ पंगा किया नहीं है। बस एक चीज यहाँ दिक्कत है कि बीच में फोन को चार्ज पे लगा दिया था, तो उस वजह से तुम लोग 3 घंटे इसमें से माइनस कर सकते हो, मतलब 9 घंटे 46 में से 3 घंटे गया तो बस 6 घंटे 46 मिनट बाकी है। बट एक चीज और, यहाँ पर 19% बैटरी है तो 1 घंटा उसका जोड़ लो, मतलब 7 घंटे का नॉर्मल स्क्रीन टाइम मिलता है, जो कि ठीक ठाक है। अपडेट के वजह से ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कम हुआ है, क्योंकि पहले से ही कम मिलता था। तो अपडेट में बैटरी बैकअप को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, ना बढ़ाया ना घटाया। अब हम लोग बात करते हैं उस बग के बारे में, मतलब जब हम लोग कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, मतलब रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर के बाद ब्लैंक हो जाता है। तो एक्चुअल में ये कोई बग नहीं है, ये एक्चुअल में फीचर ही है, क्योंकि जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो फिर स्क्रीन ऑन होने की वजह से बैटरी बहुत ज़्यादा यूज होती है और पहले से ही इसमें बैटरी कम है, तो ये बचाने का एक तरीका है। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग कहीं से इसे ट्राइपॉड पर रख के रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप लोग खुद ऐसे ले लेकर रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या आ रहा है, जो कि दिक्कत करता है मुझे पता है, बट यहाँ पर ये बग नहीं है और ये फिक्स भी मुझे नहीं लगता होने वाला है। अगर कभी इनका मूड किया तो ये बाद में कर दे, क्या पता। अब एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की कि इस अपडेट के बाद हीटिंग इशू बढ़ चुका है, मैंने पबजी कुछ देर खेल के देखा उसके कारण भी हीटिंग हुई, स्क्रीन भी हीट हो रहा था, पीछे से कैमरा साइड से भी हीट हो रहा था, और ये जो मैंने ट्राई किया था मतलब स्क्रीन ब्लैंक वाला आप लोगों को दिखाने के लिए, उस समय भी ये बहुत ज़्यादा हीटिंग किया है, तो हीटिंग इशू थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले से ही ग्लास बैक था जिसकी वजह से फील ज़्यादा होता है, लेकिन अब थोड़ा सा हीट भी हो रहा है, मतलब ये गड़बड़ चीज़ है भाई। थोड़ी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, एक बहुत छोटा सा फीचर्स आप लोगों को इसमें देखने को मिलता है, जब आप लोग ऐसे पिंच करते हो होम स्क्रीन पर तो फिर पहले में और अभी में एक लेआउट में हल्का सा चेंज है, ये जो डॉट 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 रहते हैं यहाँ पर एक आप लोगों को लेआउट देखने को मिल जा रहा है, बहुत छोटा डिटेल है मैंने पकड़ लिया, लेकिन ऐसा चीज़ में कुछ फीचर नहीं है। फीचर क्या है वो मैं बताता हूँ, फीचर आप लोगों को देखने को मिल जाता है वहाँ पर जब आप लोग ऐप्स को स्क्रॉल करते हो, वहाँ पर एक मैनेज ऐप देखने को मिलता है, वहाँ पर जाके ऐप ड्रॉवर सेटिंग्स पर क्लिक करना है, उसके बाद सबको इनेबल कर देना, सबको इनेबल कर दोगे तो फिर जब भी दोबारा होम स्क्रीन खोलोगे तो फिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो ऐप्स होते हैं, मतलब जिसे आप ज़्यादा यूज़ करते हो वो दिखाने लगेंगे, और जब भी खोलोगे तो एक सर्च बार उन लोगों के लिए जो बहुत सारे ऐप्स रखते हैं। तो ऐसा सच बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी फीचर नहीं था, बट कुछ नया था जो बता दिया और आप लोगों ने बोला था। अब देखो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, पसीने से मैं भीग रहा हूँ इस बात पे सब्सक्राइब कर दे, हलवाई क्या। और हाँ, अगर कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ पे भी मैं जवाब देता हूँ। बाकी अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।